हमेशा आपके साथ। मैनपुरी के कस्बा करहल में बनने जा रहे कीर्ति स्तंभ का भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर जैन समाज ने बैंड बाजों के साथ नगर से शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम से मैनपुरी सांसद तेज प्रताप यादव सहित हजारों जैन समुदाय के लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। कस्बा करहल में जैन समाज ने बैंड बाजों के साथ नगर में पालकी शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सांसद तेज प्रताप यादव सहित हजारों की संख्या में जैन समुदाय के लोगों ने प्रतिभाग लिया। कस्बा करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज में शिलान्यास समारोह का आयोजन हुआ। संपूर्ण देश में जैन अनुयायियों द्वारा निर्मित कराए जा रहे कीर्ति स्तंभ बनने की श्रृंखला में एक बार फिर जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल में भी ये छटा देखने को मिली। परम पूज्य महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से करहल नगर में बनने जा रहे कीर्ति स्तंभ के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह आज धूमधाम से संपन्न हुआ। समस्त जैन समुदायों ने एकजुट होकर करहल नगर में प्रातः बेला में पालकी शोभा यात्रा निकाली। बैंड बाजों के साथ निर्मित स्तंभ स्थल जैन इंटर कॉलेज करहल पहुंचकर मंत्र के साथ समस्त जैन समुदाय ने श्री यंत्र जी की अभिषेक कर पूजन किया, जहां सांसद तेज प्रताप सिंह यादव, लाचू जैन एजुकेशन ट्रस्ट के भोलानाथ सिंह, संजय जैन दिल्ली, अखिल कुमार बरोलिया आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। विद्यासागर की 50वीं जो दीक्षा महोत्सव है उसके संदर्भ में पूरे देश में कीर्ति स्तंभ बन रहे हैं, उसी श्रृंखला में करहल में भी एक अद्भुत आयोजन हो रहा है। इसमें आज भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह है और ये करहल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में इतना भव्य आयोजन कहीं नहीं हुआ जितना करहल में हुआ है। भव्य कीर्ति स्तंभ मनाया जा रहा है जो 51 फुट का है, आसपास क्षेत्र में इतना बड़ा कोई नहीं है और ये जो आयोजन है उसी के उपलक्ष्य में है और उसमें हमारे आसपास क्षेत्र के दिल्ली के बहुत दूर दूर के लोग आए और उन्होंने समारोह में भाग लिया और आने वाले 6 महीने में इस ये कीर्ति स्तंभ बन के तैयार हो जाएगा, इसका भव्य आयोजन होगा और जिस जो देखने योग्य होगा। आसपास क्षेत्र में इसमें ऑडिटोरियम वगैरह और तमाम इसके वो बनाए। अच्छा, पूजा अर्चना ये किस पद्धति से हुई है सर, ये बताया? लवेचू मैंने विजय 13 पंथी शुद्ध आमनाए जो जैन हर बार कहीं ना कहीं जैन कॉलेज का नाम उस बात को जरूर देते हैं कि उन्होंने यहाँ दिखा के उसके लिए हर जगह चर्चा करते हैं और खासतौर पर इटावा और करहल के जुड़े हुए जैन समाज के बहुत लोग जो अभी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है उन लोगों ने माननीय नेताजी को बहुत सपोर्ट किया और बहुत मेहनत उनके साथ की जो आज इस मुकाम पर है। कहीं ना कहीं उन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान उनको यहाँ तक पहुँचाने का। मैं तुरंत समिति के जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा। बलवंडिया जी